आज हम क्लास नाइन्थ का स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आज मैं आपको बता देता हूँ। अब डिफरेंट कैटेगरीज के जो है वो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर सारे आ रहते हैं, रैशनल आ रहते हैं, इरेशनल आ रहते हैं, इंटीजर्स आ रहते हैं, तो सारे जो है वो कवर कर लेते हैं। बट जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक अलहदा सीरीज़ है, ये स्केयर रूट के अंदर होते हैं। बट इनको जो है वो हम सॉल्व करने के लिए, आप देखें एक ये नंबर है, इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, इरेशनल है। बट यहाँ पर अगर साइन का आ जाए ना इशू, फिर हम इसके लिए एक अलहदा इसको हम कैटेगरी के अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है एक इस तरह की। अभी आप सोच रहे होंगे आयोटा क्या है, या आयोटा आया कैसे। जो भी नंबर स्केयर रूट के अंदर होगा और माइनस वन वैल्यू देगा उसको कहते हैं ये कौन सी वैल्यू है, ये आयोटा की वैल्यू है, ये आयोटा को शो करता है, इसको कहते हैं ये आयोटा है। मतलब हमने इसको एक नाम दे दिया कि ये आयोटा है। और इस तरह की जितनी भी फॉर्मेशन स्केयर रूट के अंदर आएंगी हम उनको डायरेक्ट जो है, अगर साइन हुआ तो हम इसको इस तरह सॉल्व करके ऐसे करके फिर स्केयर रूट अलग करके इसको हम नाम दे देंगे आयोटा का। तो हमने आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम इमेजिनरी कहते हैं, और जो दूसरा होगा वो होगा हमारे पास रियल। ठीक हो गया। तो ये है, अच्छा रियल रियल नंबर से है। तो अब रियल और कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स एक अलहदा सीरीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि अलहदा है, बट इसके साथ रियल नंबर भी हो सकते हैं, 2 + √3। तो ये इस तरह से भी हो सकते हैं, 2 + √3 ऐसे भी हो सकते हैं। तो इस तरह की जो फॉर्मेशन है इसको कहते हैं एक रियल फॉर्मेशन है, जिसको हम जो है वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इसको हम कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जिसमें एक रियल भी हो सकता है, एक इमेजिनरी भी हो सकता है। अब रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है? रियल जिसमें आई ना हो, और इमेजिनरी वो जिसमें आई आ रही, तो वो क्या बनेगा, एक इमेजिनरी। अच्छा अगर ये है ना, तो इसमें रियल क्या है, तो आप ये कह सकते हैं इसमें रियल है ही नहीं है, तो इसका मतलब रियल क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो है। ठीक है, ओके। इसमें एक्सरसाइज जो है वो 2.5 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो आपने इसमें जेहन में रखनी है कि आयोटा स्केयर को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर ये थोड़ा सा रिव्यू था इस 2.5 के लिए और 2.6 के लिए। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ जो है वो आ गई होगी। इसको देख लें, मैं आगे इसको जो है कि स्टार्ट करवाता हूँ। ओके बेटा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अपनी 2.5। इसमें आयोटा आपको पता है कि आयोटा जो होता है वो स्केयर रूट माइनस वन के इक्वल है, बट इसके अगर हम स्केयर लें तो ये हो जाएगा माइनस वन। इसी को हमने बार बार जो है वो यूज़ करना है, एवेल्युएट करना है आयोटा 7 को। पार्ट वन है क्वेश्चन नंबर 1। आयोटा 7 को आप एवेल्युएट करेंगे इस तरह से कि इसकी पावर आपने सबसे पहले बनानी है, ऑड है तो उसको पहले बनाना है इवन, देन इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे आयोटा स्केयर की फॉर्म है। आयोटा 6 पहले इसको लिख लें, और आयोटा मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्योंकि आयोटा 7 है ऑड, तो ऑड जो है वो इस तरह मैं इसको इस तरह ब्रेक नहीं कर सकता कि ये आपको आयोटा स्केयर की वैल्यू देकर आप इसको सॉल्व कर लें। तो आयोटा 6 और आयोटा लिख लूँ, फिर इसके बाद लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 3 और फिर आयोटा, क्लियर है। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा 2 जो है वो आपको पता है -1 की पावर 3, और साथ आंसर आएगा माइनस की पावर अगर ऑड हो। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि अगर माइनस की पावर ऑड हो तो आंसर पॉजिटिव होता है, और अगर माइनस की पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव होता है, और अगर माइनस की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव होता है। माइनस की पावर ऑड, आंसर नेगेटिव। माइनस की पावर अगर इवन है तो आंसर होगा पॉजिटिव। तो ये होगा माइनस इनटू आयोटा, और ये होगा माइनस आयोटा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट 2, इसका स्टार्ट करते हैं आयोटा 50। आयोटा 50 जो है वो आपके पास किस तरह इसको सॉल्व करना है, आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है। आयोटा 50 जो है ऑलरेडी पहले से इवन है, इवन हो तो उसको चेंज नहीं करना, डायरेक्ट ऑड से इवन करना होता है तो मसला बन जाता है। इसको आप लिख लें आयोटा 2 की पावर 25, फिर -1 की पावर 25, और माइनस की पावर ऑड है तो आंसर -1 ही जो है वो आपका आएगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास आयोटा 12।
आयोटा 12 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। आयोटा 12 जो है वो थर्ड पार्ट इवन है, इसको आप लिख लें 2 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 माइनस की पावर इवन है, तो आंसर प्लस 1 जो है वो आपके पास आ जाएगा। पार्ट 4 है, इसको पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं जल्दी से। आयोटा माइनस आयोटा की पावर 8। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अब इन क्वेश्चनों से देखें इसकी फॉर्मेशन हो रहा है। इन सब में स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ब्रैकेट से नहीं था, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ब्रैकेट से है। आपने क्या करना है, आपने इसका पहले ब्रैकेट ओपन कर लेनी। तो माइनस की पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा, आयोटा की पावर 8। पावर ऊपर आ गया आयोटा के। अब आप इसको आप सिंपल हल कर लें, कैसे हल करना है, आपने आयोटा 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, तो जो आंसर आएगा वो आप देख रहे हैं आयोटा है, माइनस की पावर इवन हो तो आंसर प्लस 1 सॉल्यूशन आ जाएगा। पार्ट 5 जो है इसका सॉल्व करते हैं। माइनस 1 सॉरी माइनस आयोटा की पावर 5 है, इसमें होल ब्रैकेट पहले सॉल्व करें क्या आएगा, होल ब्रैकेट क्या होगा, माइनस आयोटा की पावर ये 5 हो जाएगी क्योंकि माइनस की पावर ऑड है तो आंसर माइनस में रहेगा। तो माइनस इंटू आयोटा 4 डॉट आयोटा, फिर उसके बाद आप करेंगे माइनस इंटू आयोटा 2 की पावर 2, फिर माइनस शायद चलता रहेगा आयोटा स्केयर के लिए माइनस 1 का पावर 2 साथ आयोटा, और फिर हो जाएगा माइनस इंटू प्लस 1 और आंसर आएगा माइनस आयोटा, ये इसका आएगा सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। पार्ट 6 सॉल्व करते हैं आयोटा 27। 6 पार्ट है आयोटा 27, किस तरह सॉल्व करना है, इसमें पहले सबसे पहले आपने ऑड पावर जो है उसको इवन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा, आयोटा 26 आयोटा, फिर आयोटा 26 को लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 13, फिर माइनस 1 की पावर 13, अब माइनस की पावर ऑड है आंसर माइनस में ही रहेगा, और फाइनल रिजल्ट आएगा माइनस आयोटा। यहाँ तक देख लें, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे पूछ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने, इसको आप देख लें। ओके बेटा, इसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 है आपके पास, राइट, द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, हमने इन सब का क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। कंजुगेट में क्या करते हैं, कंजुगेट में आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, कंजुगेट जब भी किसी नंबर का लेना है, जाहिर है कंजुगेट आप हर किसी का नहीं ले सकते, कंजुगेट जो है आप सिर्फ जो है वो इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में जो नंबर होंगे जिसमें आयोटा वाली फॉर्मेशन होगी उनका आप कंजुगेट ले सकते हैं, ठीक हो गया। और जो दूसरा मेथड है जिसको हम चैप्टर 4 में हम यूज़ करेंगे वो होता है स्क्वायर रूट में दरमियान में साइन हो जो भी, उसको हम प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, वो होता है रैशनलाइजेशन करना, रैशनलाइज कर देना। तो उसको कंजुगेट का नाम नहीं देंगे, इसका जो है वो कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट जो है उसमें भी अगर दो वैल्यूज के दरमियान में आ रहा है तो आप डायरेक्टली जो है उसका साइन चेंज करके भी आप बता सकते हैं उन स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ के लिए भी। तो पार्ट 1 है 2 + 3 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा, क्लियर है। पार्ट 2 है 3 - 5 आयोटा, सिर्फ इसका साइन चेंज करना होता है 3 + 5 आयोटा। पार्ट 3 देखें, क्लियर हो रहा है ना, इसका माइनस आयोटा, कंजुगेट क्या होगा, प्लस आयोटा। पार्ट 4 है -3 + 4 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या होगा, -3 - 4 आयोटा। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास, पार्ट 4 हो चुके हैं, पार्ट 5 देखते हैं, -4 - आयोटा, इसका कंजुगेट क्या होगा, -4 + आयोटा। 6 पार्ट देखें, 6 पार्ट जो है वो आपके पास है आयोटा -3, तो इसका कंजुगेट आप किस तरह निकालेंगे, आप इसका माइनस आयोटा प्लस 3 करके, सॉरी ये नहीं, सिर्फ इसका साइन चेंज करना है, ये गलती नहीं करनी, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में आपने सिंपल जो है वो फाइंड करना है कि रियल कौन सा है और
इमेजिनरी कौन सा है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट सेपरेट करने हैं। तो क्वेश्चन थ्री करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन थ्री है आपके पास, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो थ्री के अंदर पहला पार्ट है वन प्लस आयोटा, इसमें बताएं रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। रियल तो मेरे पास है, रियल पार्ट वन है, इमेजिनरी कौन सा है, आयोटा के साथ वन है तो वन ही इमेजिनरी है, आई नहीं काउंट करना, आई के साथ वाले को आपने देखना है कि उसमें रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। पार्ट टू देखें, इसमें थ्री माइनस फाइव आयोटा, इसमें रियल कौन सा है थ्री, इमेजिनरी कौन सा है, इमेजिनरी जो है वो माइनस फाइव जो है वो होगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट थ्री, पार्ट थ्री है इसका माइनस थ्री आयोटा प्लस टू, इसमें रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। इसका रियल पार्ट होगा प्लस टू और इमेजिनरी कौन सा है, आयोटा के साथ जो लिखा है वो है माइनस थ्री। नेक्स्ट है पार्ट फोर, पार्ट फोर है आपके पास माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा, इसमें रियल कौन सा है, रियल है आपके पास माइनस थ्री और इमेजिनरी कौन सा है आपके पास फोर। आयोटा के साथ जो भी लिखा होगा वो इमेजिनरी होगा और विदाउट आयोटा जो भी होगा वो रियल होगा। क्वेश्चन फोर हो गया, फाइव है माइनस फोर माइनस आयोटा, इसमें रियल माइनस फोर और इमेजिनरी है माइनस वन। ओके लास्ट वन इज सिक्स पार्ट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसकी तरफ। सिक्स पार्ट है आयोटा माइनस थ्री, तो इसमें रियल कौन सा है माइनस थ्री और इमेजिनरी कौन सा है वन। तो ये आपके पास जो है वो सारे पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद एक्सरसाइज जो है वो आप एंड करते हैं। ओके बेटा इसके बाद क्वेश्चन है फोर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपका फोर है एक्सरसाइज 2.5 का। क्वेश्चन फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड y, हमने x और y फाइंड करना है और इफ कंडीशन दी हुई है x प्लस आयोटा y प्लस वन इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री आयोटा। बेटा क्वेश्चन बड़ा इजी है, आपने इक्वेशन से आपने इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन गिवन है, इसमें से आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपने बताने हैं कि कौन से हैं, रियल कौन सा है और इमेजिनरी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपने एक साइड से नहीं, इसको आपने दोनों साइड से चेक करना है कौन सा रियल है और कौन सा इमेजिनरी है। तो रियल देखिए बेटा, इसमें रियल कौन सा है, रियल पार्ट इसमें होगा दोनों साइड से आपने चेक करना है। तो रियल पार्ट है x प्लस वन इज इक्वल टू, इस साइड से देखें तो ये आता है फोर, पहले इसको सॉल्व कर लें। तो x इज इक्वल टू फोर, यहाँ से प्लस का वन इधर आके माइनस वन और x इज इक्वल टू आप पास आंसर आएगा थ्री। इसके बाद आपने इमेजिनरी पार्ट की तरफ चलना है, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, हाँ जी इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट वो जिसमें आई है, आई जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो आई वाला है वो एक आयोटा वाई है और इस साइड से देखें तो जिसमें आयोटा वाई आयोटा है वो ये है माइनस थ्री, आयोटा भी लगाना है आपने, आयोटा आयोटा कैंसिल, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये दोनों वैल्यूज आपके पास बन चुकी हैं, एक्स की है थ्री और वाई है आपके पास माइनस थ्री, ये आपके पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ओके बेटा अल्लाह हाफिज़, और अपना और अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। इस एक्सरसाइज कंप्लीट जो है मैंने आज करवा दी, इसमें जहाँ जहाँ आपको इशू हो, जहाँ जहाँ आपको मसला बने आपने मुझे कमेंट करके बताना है। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।